हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम चार कलर में बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा मैट बनाएंगे। इसे आप देखिए, डोर मैट में यूज कीजिए, पूजा आसन में यूज कीजिए, टेबल मैट में यूज कीजिए, यहाँ तक कि आप इसे बेबी ब्लैंकेट में भी इस डिजाइन को डाल सकते हैं। आप इस डिजाइन से दरी भी बना सकते हैं और आप इसे थालपोश के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हमारा डिजाइन बन के आएगा। तो उसके लिए देखिए, हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। ये मैंने देखिए यहाँ पर 8 नंबर के नीडल्स ले ली हैं और ये मैंने चार कलर में जो ऊन ली है, इस चारों कलर की ऊन को मैंने फोल्ड कर लिया है। देखिए, ये मेरी ऊन पतली थी। अगर आपके पास ऊन मोटी है तो आप सिंगल से भी बना सकते हैं। आप इस डिजाइन को पुरानी चुन्नी या साड़ी से भी बना सकते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रीन कलर से मैं एक फंदा डाल लूंगी। देखिए, बहुत ज्यादा बड़े धागे नहीं छोड़ेंगे हम इस तरह से। देखिए, एक फंदा डालने के लिए हम यहाँ पर एक नोट बना लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से देखिए, ये नोट बनाया और इसे सिलाई में इस तरह से डाल लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम सात फंदे येलो कलर से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, सात फंदे मैं येलो कलर से बनाऊंगी इस तरह से। इस फंदे को देखिए, दो तीन चार इस तरह से देखिए, पांच। तो देखिए, सात फंदे मैं येलो कलर से बनाऊंगी और सात फंदे वाइन कलर से बनाऊंगी और छह फंदे मैं पिंक कलर से बनाऊंगी, या मैं सात फंदे इससे डालूंगी और छह फंदे वाइन कलर से डालूंगी। तो मैं आपको फंदे डालने के बाद देखिए दिखाती हूँ कि कैसे फंदे डाले हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर छह फंदे, एक दो तीन चार पाँच छह फंदे मैंने वाइन कलर से डाले। एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे मैंने पिंक कलर से डाले। एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे मैंने येलो कलर से डाले और एक फंदा मैंने ग्रीन कलर से डाला। अब देखिए, आप इसमें नौ नौ फंदे करके भी डाल सकते हैं। जितना बड़ा या छोटा आप बनाना चाहें, उतना बड़ा या छोटा आप बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इस पूरी रो को जो फंदा जिस कलर से है वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम देखिए, ये मेरे छह फंदे वाइन कलर से हैं, तो मैंने इसे वाइन कलर से बना लिए हैं। देखिए, बहुत ईजी है इसे बनाना, बहुत ईजीली आप इसे बना लेंगे। बिगनर भी इसे आसानी से बन सकते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है, इस धागे को हम पीछे की साइड करेंगे वाइन वाले को ऐसे, और पिंक वाले को आगे की साइड लेके आएंगे। देखिए, इस वाइन से क्रॉस करवाते हुए ये वाला इसे आगे की साइड ऐसे कर लेंगे और देखिए, पिंक वाले को इस तरह से आगे लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, एक दो तीन चार पांच छह और ये सात, सात फंदे मैंने पिंक कलर से बनाए। पिंक वाला धागा पीछे की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर देखिए, येलो वाला धागा पिंक को आगे करेंगे और येलो को इस तरह से क्रॉस करवाते हुए आगे की साइड लेके आएंगे। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः
और ये सात। अब येलो धागे को पीछे करेंगे और देखिए ग्रीन को आगे लेके आएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए इसे आगे की तरफ लेके आएंगे, ऐसे क्रॉस करवाते हुए लेके आएंगे हम इस तरह से, और इस ग्रीन फंदे को ऐसे उतार लेंगे और इस ऊन को टाइट कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए उल्टी सिलाई में आ गए हैं हम उल्टी तरफ, ये देखिए इस तरह से हमारा बन के आएगा। हम इन धागों को टाइट करते जाएंगे। देखिए ग्रीन, ये फंदा ग्रीन कलर से बनाएंगे और एक फंदा यहाँ पर, और इस ग्रीन वाले फंदे धागे को देखिए साथ में इस तरह से ले लेंगे और एक फंदा येलो वाला ग्रीन कलर से बना लेंगे। देखिए इस तरह से पट्टी को आगे करेंगे इस धागे को, और देखिए येलो कलर से बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। एक फंदा हम देखिए ये वाला पिंक वाला ले लेंगे और इस वाले धागे को साथ में इस तरह से ले लेंगे फिर से। यहाँ पर देखिए पिंक वाला एक हम येलो कलर से बना लेंगे इस तरह से, इस तरह, और इस धागे को टाइट करते हुए जाएंगे देखिए ऐसे। और यहाँ पर देखिए एक, और इस धागे को साथ में ले लेंगे ऐसे, दो तीन चार, और देखिए इसे ये इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका उल्टी साइड से भी फिनिशिंग के साथ बन के आएगा ये देखिए। अब हम देखिए यहाँ पर एक वाइन वाला पिंक कलर से बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस वाइन वाले फंदे को ऐसे ले लेंगे और इस पिंक धागे को भी हम साथ में ले लेंगे इस तरह से। देखिए इसे दबा लेंगे और यहाँ पर एक वाइन वाला पिंक कलर से बना लेंगे ऐसे, और इस फंदे को धागे को टाइट करेंगे और देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये हमारे छः थे, यहाँ पर देखिए पाँच बच गए हैं ये वाले फंदे हमारे। और सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए इस फंदे को उतारेंगे ये देखिए एक दो तीन चार, ये पांच हो गए। अब इसे क्रॉस करवाएंगे देखिए, पिंक को आगे की तरफ लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए दो तीन, जो जिस कलर से है सीधी सिलाई में हमें उसी कलर से बनाने हैं। देखिए पिंक को पीछे करेंगे, येलो को आगे लेके आएंगे। क्रॉस करवाते हुए आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें, ये देखिए येलो धागा पीछे करेंगे और ग्रीन वाला आगे लेके आएंगे ऐसे, और इस वाले फंदे को सीधा बना लेंगे ऐसे। अब देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं हम। यहाँ पर देखिए इस फंदे को उतार लेंगे ग्रीन वाले को, ये एक एक फंदा हम येलो वाला ग्रीन कलर से बना लेंगे। और देखिए इसे ग्रीन वाले को आगे की तरफ धागे को लेके आएंगे, और देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, और ये एक पिंक वाला येलो से बना लेंगे सात, और देखिए इसे आगे की तरफ लेके आएंगे येलो धागे को और पिंक से एक दो तीन चार पाँच
छ छ, और इसे देखिए आगे की तरफ करेंगे, और इस जो धागा हमारा रह गया था इसे इसके नीचे दबा लेंगे इस तरह से। ये सात सात, एक हमने वाइन कलर वाला पिंक कलर से बना लिया है। तो देखिए एक दो, इस धागे को देखिए साथ में दबा लेंगे ऐसे। जब हम इस फंदे को बनाएंगे तो इस तरह से इसे दबा लेंगे ताकि हमारा अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन के आए ऐसे। ये देखिए ऐसे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। तो चलिए ये सीधी रो बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से बन के आएगा। अब हम फिर से उल्टी रो पे आ गए हैं। तो देखिए इस फंदे को हम उतारेंगे, एक बार हमें इसे सीधा बनाना है और उल्टी सिलाई में इसे ऐसे ही उतार लेना है। देखिए दो तीन, अब एक येलो वाला फिर से ग्रीन कलर से बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, एक पिंक वाला येलो से बना लिया तो हमारे यहाँ पर येलो भी सात फंदे हो गए। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ और एक वाइन वाला बना लेंगे सात। और देखिए यहाँ पर एक दो, और ये इस धागे को ऐसे दबा लेंगे इस तरह से। देखिए बनाते हुए ये हमारे एक एक करके यहाँ पर फंदे कम होते जाएंगे। ये अब तीन बच गए हैं, यहाँ पर एक फंदा बच जाएगा और ये जो ग्रीन वाला हमने एक लिया था ये हमारे बढ़ते हुए जाएंगे। तो देखिए इस सिलाई में, सीधी सिलाई में इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे। देखिए सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाना है, क्रॉसिंग का ध्यान करते हुए क्रॉस करवाते हुए बनाएंगे। फ्रेंड्स देखिए अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। ये देखिए इस डिज़ाइन को आप बेबी ब्लैंकेट में भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा हमारा डिजाइन है ऐसे, और बहुत ही इजीली आप इसे बना लेंगे, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। फ्रेंड्स देखिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। ये देखिए इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। फिर से हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो इस फर्स्ट वाले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। यहाँ पर सीधी सिलाई में हमने इस फंदे को सीधा बनाया था और अब की बार हम इसे ऐसे ही उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए एक फंदा हम येलो वाला ग्रीन कलर से बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर येलो का देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, और एक पिंक वाला येलो से बना लेंगे सात। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, और ये वाइन वाला सात इस तरह से। देखिए एक और दो, वाइन कलर वाले हमारे दो फंदे बच गए हैं इस तरह से। और सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए इसमें आपको क्रॉसिंग का ध्यान रखना है, क्रॉस करवाते हुए इस धागे को आगे की तरफ लेके आए इस तरह से। जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से हम इसे बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए जिस तरह से हम इस डिजाइन को डाल रहे हैं इसी तरह से हमने इस पूरे मैट को बनाते हुए कंप्लीट करना है। देखिए इस पिंक वाले को पीछे की तरफ करेंगे और येलो को आगे लेके आएंगे क्रॉस करवाते हुए। ये देखिए, और इस पिंक वाले धागे को टाइट कर लेंगे।
जो फंदे जिस कलर से हैं सीधी सिलाई में, कोई भी चेंज नहीं करना, उसी कलर से बनाते हुए जाना है। देखिए धागा पीछे करेंगे ऐसे, ये देखिए, और इस लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेंगे ऐसे। इससे जो है हमारी ये किनारी जो है फिनिशिंग के साथ बन के आएगी। देखिए दोनों तरफ से यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए इस फंदे को उतारेंगे, तीन चार पांच, एक येलो वाला ले लेंगे, छः, अब देखिए एक दो तीन चार पांच छः, और एक पिंक वाला ले लेंगे, सात, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर इस फंदे को बना लेंगे, देखिए इसी तरह से, देखिए हम लास्ट तक इस फंदे को भी बना लेंगे इस तरह से। इसको अपनी तरफ करेंगे सीधी सिलाई में, जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे। यहाँ पर देखिए पीछे करेंगे पिंक वाले धागे को, येलो को आगे की तरफ लेके आएंगे, देखिए पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। ये देखिए इस फंदे को उतारेंगे, दो तीन चार पांच छः और ये सात, ग्रीन कलर के हमारे यहाँ पर सात फंदे हो गए हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये एक पिंक वाला ले लेंगे, सात, ये देखिए दो तीन चार पाँच छः और ये सात। तो इसी तरह से देखिए हमने इन सभी फंदों को, यहाँ पर ये हमारे सात सात फंदे हो गए हैं और ये फंदे देखिए वाइन वाले बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये ग्रीन वाले हमारे सात फंदे हो गए हैं। तो अब हमें देखिए यहाँ पर एक फंदा, जैसे हम अब वाइन कलर का बना लेंगे, यहाँ पर जिस तरह से हमने एक एक फंदा लिया है उसी तरह से अब हम यहाँ पर घटाते हुए चलेंगे। ये फंदे हमारे लास्ट में यहाँ पर एक इस पूरे ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पर वाइन कलर वाले हमारे सात फंदे हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे हमने इस तरह इसको अब इस साइड बढ़ाया है और अब की बार यहाँ पर इस साइड से करेंगे, तो जैसे हमने इसको बनाया है वैसे ही हम इस पूरे मैट को कंप्लीट करेंगे।